तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं, क्या जियो की जैसा कोई और कंपनी आ सकता है जो मतलब यार सब कुछ, मतलब कॉलिंग और इंटरनेट सब कुछ फ्री दे दे, मतलब कुछ महीनों के लिए। जैसे जियो ने जब फर्स्ट फर्स्ट आया था तो ऐसा किया था, शायद कोई 5G लेके आ जाए जो कहे कि भाई पूरा 5G आप लोगों के लिए फ्री में है, कॉलिंग और डाटा जितना मर्जी उतना इस्तेमाल कर सकते हो। तो ऐसा क्या हो सकता है कि कोई जियो की जैसा कंपनी ला दे मरो? तो यार ऐसा हो सकता है कि नहीं, इसके बारे में आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। थोड़ा मजेदार वीडियो होने वाला है, ठीक है। तो भाई देखो, जियो जब आया था तो भाई रातों रात तो आ गया था, वो अलग की बात है। बट यार जो उसकी प्लानिंग थी वो एक रात में नहीं हुई थी, उसको शायद कई हफ्ते या कई महीने, कई साल भी लगे होंगे, ठीक है। जो यार डायरेक्ट 2G से 4G हमको यूज करने को मिला, भाई रातों रात उन्होंने टावर सिग्नल नहीं बैठा दिए थे मुकेश अंबानी ने, उसके पहले भी काफी वो प्लानिंग हुई थी इसको 2G से 4G अपग्रेड करने के लिए, वो हुआ था। बट यार जब यहाँ पे जियो आया था तो भाई देखो, सबसे बड़ी बात, अब जियो आ गया तो भाई आप लोग को पता है कि जियो ने क्या तबाही मचा दी, कितनी बड़ी कंपनी बन चुकी है। तो भाई ये जेन्युइन भी है, जिस बंदे ने इतना मतलब अपना पैसा लगाया, आप ही सोचो उस टाइम में 2G मतलब नेटवर्क इस्तेमाल करने के लिए, आज तो हम लोग 4G इस्तेमाल कर रहे हैं, 2G इंटरनेट इस्तेमाल करने के लिए 1 GB डाटा 200 से 250 रुपये चार्ज करना पड़ता था। उस टाइम में एक बंदे ने 4G और भी पूरे अच्छे स्पीड में 4G कॉलिंग मैसेज सब कुछ 6 महीने तक पूरे हिंदुस्तान के लिए एकदम फ्री में दे दिया। तो सोचो भाई उसने कितना पैसा इन्वेस्ट किया होगा, मतलब ऐसे मतलब झोंक दिया होगा कि उसको ये नहीं पता होगा कि हम सक्सेस होंगे कि नहीं, बट उसने ये सब कर दिया। तो आज इस कंपनी ने क्या कर दिखाया, कितना बड़ी कंपनी बन गई, तो ये तो होना ही था भाई, उसने ऐसा किया था। बट क्या अब कोई कंपनी ऐसा कर सकती है? तो भाई ज़रूर कर सकती है, बट कुछ रीजंस हैं यहाँ पे। देखो भाई, जो जियो ने रातों रात तो टावर ओवर कुछ नहीं खड़े किए थे, उसने यूज़ किया था भाई यहाँ पे रिलायंस के सारे नेटवर्क, सारे सिग्नल, सारे जो टावर्स होते हैं उन्होंने रिलायंस का यूज़ किया था, क्योंकि उसका ही वो पेरेंट कंपनी है। तो वो कह सकते हो कि रिलायंस के सारे यहाँ पे नेटवर्क्स यूज़ किए गए थे। तो अगर आप अब किसी बंदे को अगर कोई नई कंपनी खड़ी करनी है तो भाई हो सकता है उसको अपना नया सिग्नल्स, नए टावर्स सब कुछ लगवाने हो, या तो फिर वो किसी और का इस्तेमाल करे, तो ये हो सकता है। तो किसी और का इस्तेमाल कर सकती है, खरीद के शेयर करवा के भी करवा सकती है, क्योंकि एक टावर में बहुत सारे कंपनी के ऑपरेटर वहाँ पर रहते हैं, तो शेयर करवा सकती है। तो ये बात तो हो, ये अलग हो गई कि ये हो सकता है, ठीक है। बट और दूसरी बात है पैसे की, तो भाई पैसे की कमी नहीं है यहाँ पे। जब लोगों ने देखा कि भाई जियो के आने के बाद इतनी बड़ी कंपनी बन गई, लोग कितने दीवाने हो गए, कितने भी पैसे देने के लिए तैयार हो गए हैं, तो अब के टाइम में देखो जियो कितनी बड़ी कंपनी बन गई है। तो भाई अब पैसे तो कोई यहाँ पे लगाना चाहेगा और लगा भी लेगा, बट यार यहाँ पे 5G की बात रही कि भाई कोई 5G लेके आ जाए बिल्कुल फ्री दे दे, तो भाई अब यहाँ पे उतना भी पॉसिबल नहीं है कि 5G, क्योंकि यहाँ पे 5G काफ़ी महंगा होने वाला है, काफ़ी फास्ट होने वाला है, उसके सर्वर कॉस्ट, उसके हर एक चीज़ बहुत फास्ट होने वाली है। तो भाई अब उसमें काफ़ी ज़्यादा पैसे लगाने हैं, तो कोई 5G तो शायद ही इतनी आसानी से मतलब लेके आए, बट लाएगा भी तो काफ़ी ज़्यादा उसको खर्च पड़ेगा। और यहाँ पे इतने अमीर आदमी हैं, हमें भाई लॉन्च होने के बाद पता लगा कि भाई मुकेश अंबानी इतने अमीर हैं कि उन्होंने पूरे हिंदुस्तान को फ्री में नेट चलाने के लिए दे दिया भाई, पूरा सिम बंटवा दिया। तो भाई अब पता नहीं कितने अमीर आदमी हैं। तो भाई करने को तो ऐसा हो सकता है कि हमें 4G या 5G ही देखने को मिल जाए, कि कोई बंदा आए और रातों रात कह दे कि भाई आप लोग इस्तेमाल करो, फ्री में डाटा इस्तेमाल करो, तो भाई ऐसे हो भी सकता है। तो इस वीडियो आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हो, क्या ऐसा हो सकता है कि नहीं, भाई मुझे कमेंट में जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो भाई इसको एक लाइक कर दो, ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं बनाता हूँ तो भाई चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो मिलते हैं किसी और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।